सुबह के 3 बज रहे हैं क्या? रात के 3 बज रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों GTA 5 के स्केरियस्ट प्लेसेस को आपको भी दिखाना है, और है ना हमारा एक नमूना फ्रेंड, वही जो हमारे साथ हमेशा वीडियो बनाता रहता है, तो आ जाओ उसको कॉल करके नींद से उठा के वीडियो में लाएंगे। यो यो व्हाट्सअप वड़ा पाव। अरे रात को क्यों कॉल किया? ना इधर काम कर रहा हूँ यार, मेरे वीडियो एडिट करने का, 7 दिन से वीडियो नहीं डाली है। तेरी वीडियो गई झाड़ में, किधर गई? पापा बोले एक बार। बहुत फालतू इंसान है तुम, बहुत फालतू इंसान है। वैसे मैंने सब तेरी वॉइस रिकॉर्ड कर ली है। बोलो कि मैं आ रहा हूँ, तू जब बुलाएगा मैं तब आ जाऊंगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। अब आया ना लाइन पे? देखो पता है आलोक, जो हमारा पहला हॉन्टेड लोकेशन है वो एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि माइकल का खुद घर ही है। क्या हो सकता है भाई, मेरे को तो एकदम धक धक हो रहा है ना भाई, मेरे को देखने का मन कर रहा है। तो तुझे यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रही है? नहीं, एकदम ध्यान से देख रहा हूँ मैं। अब जरा तो इस जगह को भी ध्यान से देखना, क्योंकि इसी जगह पे वो चीज होने वाली है। ओके, अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। अभी माइकल है इसलिए सब कुछ सही हो रहा है, बट जैसे अगर हम लोग फ्रैंकलिन लेंगे और अगर हम लोग माइकल के घर में जाते हैं तो कुछ अनहोनी चीज होती है। मैं जो सोच रहा हूँ तुम लोग भी वही सोच रहे हो, पर ये गंदे इंसान के किसी के बेडरूम दिखा रहे हैं। ये लड़की कौन है रे? मेरी बीवी है। तो धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर जाएंगे। अरे लोग कर क्या रहे? अबे जादू टोना कर रहे हैं लोग। वो भी काला जादू वाला फैंटम ब्रो, तू देख रहा है? एग्जैक्टली, माना ये जाता है कि जैसे ही हमारा माइकल कैरेक्टर से हम लोग फ्रैंकलिन कैरेक्टर पे स्विच करते हैं, उस दौरान हमारा माइकल कैरेक्टर ऑफलाइन हो जाता है, मतलब वो गेम में नहीं रहता है। मतलब ये बुड्ढे लोग उसके पीठ पीछे ये कांड कर रहे हैं, और ये तो अभी भी, और तू ये भी देख सकते कि सामने कॉफिन है पर इसके ऊपर डॉल भी रखी हुई है। और तुझे पता रहेगा जो डॉल है वो किस चीज के लिए यूज होती है, वो ब्लैक मैजिक्स के लिए यूज होती है। एक सेकंड, मेरे को ये तो समझ आ रहा है ये लड़की माइकल की बीवी है, पर ये बुड्ढा कौन है? तेरा बाप। और ये कॉफिन में कौन हो सकता है? क्या पता, क्या माइकल होगा या ट्रेवर होगा या कोई और दूसरी चीज, क्या पता इन लोग पकड़ के हमको डाल दे। तो अब गाइस आप लोग भी सुन लो, यहाँ तक आप लोग ओके ओके थे, बट अब जो आप चीज देखोगे ना वो मे भी कुछ लोगों के लिए थोड़ी अजीब सी हो सकती है, बट मैं दिखाऊंगा। ओके, आप, मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ उस चीज पे, बस आप देखो वहां पे क्या क्या पड़ा है। भाई चिटड़े उड़ चुके हैं। यह आपको पता थी कि नहीं कि माइकल का घर ही खुद एक हॉन्टेड जगह है? मतलब कि अगर माइकल के घर में कोई स्कैरी चीज है तो पूरे GTA 5 में कितनी सारी स्कैरी चीजें हो सकती है। नंबर 2, द हॉन्टेड ग्रेवयार्ड। भाई वो तो घर था, ये सीधा ग्रेवयार्ड है। देखो बहुत हो गया, तुम डर चुके हो, आज मैं तुमको थोड़ा खुश करता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ द गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो गेमिंग प्रोजेक्ट लाया है इंडिया का फर्स्ट क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप हाई बजट और हाई प्रोफाइल वाले गेम्स खेल सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग ऐप। चल झूठा। और हाँ, हार्डवेयर के बारे में तो चिंता ही मत करना, ठीक है? ओके। यहाँ पे आपको 45 से ज्यादा गेम्स मिल जाएंगे और इसे आप ऊपर से फ्री में खेल सकते हो। मस्त प्लान है। यहाँ पे आपको हर तरह के प्लान्स मिल जाएंगे, प्रमारली, वीकली, टू इवन दो मंथली, सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 रुपए। इससे ज्यादा महंगी तो बैंगर मिल जाती है। आप यहाँ पे अपने मोबाइल, ब्राउजर और मेरी तरह PC कंप्यूटर में भी खेल सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म में आपको 2 से ज्यादा सेक्शन मिलेंगे, आवर गेम्स एंड योर गेम्स। पहले जान लेते हैं योर गेम्स में क्या आता है। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम आईडी या एपिक स्टोर वाली आईडी को लॉगिन करके गेम्स को खेल सकते हो। और याद रहे, गेम को ओन करना पड़ेगा खेलने के पहले। आवर गेम, यहाँ पे कोई भी गेम ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करो और खेलो। अब प्रॉब्लम जैसे कि एक्सपेंसिव हार्डवेयर को खरीदना अपने फेवरेट गेम्स को खेलने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम गेमर्स ही समझते हैं। तो गेम किस बात की, साइन अप करो और एंजॉय करो न्यू जनरेशन गेम्स को अभी के अभी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रेस करिए और लाभ लीजिए। माइकल के हिसाब से ग्रेवर्ड हमारा बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बरोबर? पर वैसे हम लोगों को कोई भूत ही नहीं दिख रहा है। ओए पुदिया, ओए जश्न मनाओ। और ऊपर से तो पानी का कलर भी देख ले, एकदम मस्त पानी दिख रहा है यार, ऐसा लगता है पानी पी उसमें से। बट तू वही पानी को थूकने वाला है थोड़ी देर में, बी रेडी। फिर से ले ले फ्रैंकलिन कैरेक्टर को।
सो रात के 3 बजते हुए बनियान पहन के मैं आ चुका हूँ एंड फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है मेरे को। थोड़ा अंदर जा, सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ यहाँ पे फिलहाल तो नॉर्मल। तुम लोग को यहाँ पे पानी रेड रेड दिख रहा है? आगे तो जा, और आगे जा, और आगे, और ये रेडनेस बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये पूरा रेड हो चुका है। एक्चुअल में वो रेड नहीं बल्कि एक ब्लड है। पर यहाँ पे पहले माइकल आया था, उसको ये ब्लड नहीं दिखा। ये फ्रैंकलिन को क्यों दिख रहा है ब्लड ये सब? आगे जाने के पहले खुद को इनविजिबल कर देना, क्योंकि अगर तूने खुद को इनविजिबल नहीं किया तो हो सकता है कि फ्रैंकलिन मर जाए। एंड यहाँ पे मेरे को कुछ यूजुअली तो दिख नहीं रहा है। वन सेकेंड भाई, तुम लोग को यहाँ पे एक इनविजिबल लड़की दिखाई दे रही है। और क्या वो घोस्ट है? एंड वहीं पे नहीं, तुम लोग सामने भी देख सकते हो, व्हाइट कलर में एक लड़की है। भाई ये कौन है भाई, जिसकी कटीली टांगे बिंगे हैं? बस हम उस चीज को दिखा तो नहीं सकते एग्जैक्ट तरीके से, बट ये आप इतना मान लो कि फ्रैंकलिन में कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी चीज है जो कि सिर्फ फ्रैंकलिन को ही दिखती है। अगर हम लोग बिना इनविजिबिलिटी के आते तो शायद वो कॉफन में हम खुद रहते। अब बहुत हुआ माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन। आपकी जानकारी के लिए बता दो, GDFI के इस लोकेशन पे पेंटिंग रखी गई है। किसने रखा इस पेंटिंग को यहाँ पे? अब माना ये जाता है कि ये जो पेंटिंग है ना, इसके आजू बाजू भूत पाए गए हैं, यही सेम बंदी के। ये बंदी यहाँ पे मर गई थी 2 साल पहले। मतलब तू कहना चाहता है ये पेंटिंग में जो औरत है उसका भूत आजू बाजू घूमता है? एग्जैक्टली। मैं को तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, भूत तेरी तो ये भाई, यहाँ पे भूत भी तो है ही नहीं, इससे अच्छा मैं पेंटिंग को ही उड़ा देता हूँ। अब तुझे पक्का विश्वास हो जाएगी जो मैं बोल रहा था वो सच है। जरा तो पेंटिंग को उड़ा के देख और मुझे बताना कि वो पेंटिंग उड़ रही है या नहीं उड़ रही। ये पेंटिंग को तो गोली नहीं लग रही है। लिटरली बता रहा हूँ, पेंटिंग का एक पुर्जा भी नहीं हिला रहेगा। चल तू ग्रेनेड भी डाल ले अगर तेको चाहिए। यार तेरी तो यार डिचकिया। एंड फूट जा। ओ गया, अभी तो फूट गया। नहीं कुछ नहीं हुआ इसको। अब लग रहा है ना कि इस पेंटिंग में कुछ अदृश्य शक्ति है। अभी तो मेरे दिमाग पे चढ़ चुकी है, मैं इसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ाऊंगा। बट अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पास में जाके उड़ाऊंगा एकदम से। हो सकता है जब तक तू उसको मारे तब तक पीछे से आके वही बंदी तुझे भी मार दे। तो इसके लिए मैं ये पेंटिंग को कार से ठोकने वाला हूँ, वो भी मस्टल कार से। ठीक है, अभी देखो मैं इसको कैसे उड़ाता हूँ। अबे ये साला पेंटिंग अंबुजा सीमेंट से बना है क्या? देख मैं अभी भी बता रहा हूँ, जितना कम समय कट ले उधर से, क्योंकि कुछ खतरनाक हो सकता है। Maybe, I don't know. ये व्हाट, गाड़ी में कौन आ चुका है? आलोक, अब तुझे पता रहेगा GDFI के हमारे एंडिंग सीन में हमको किसी ना किसी कैरेक्टर को मारना रहता है, राइट? या ऑफ कोर्स, एक को तो मारना ही रहता है। तो तूने कभी सोचा है कि जब हम लोग माइकल को मार देंगे हमारे गेम में से, तो माइकल के घर में अगर कोई भी कैरेक्टर जाता है तो उसके घर में क्या होगा? देखो माइकल की अनुपस्थिति में ही कुछ कांड हो रहे थे, अगर ये मर जाएगा तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे फ्रैंकलिन ने माइकल को धक्का देके नीचे गिरा दिया था। माइकल, अरे माइकल, मैं तेरा दोस्त हूँ जिसने तेरे को धक्का दिया था, मैं देखो मिलने को आ रहा हूँ। अब चलते हैं माइकल के घर में देखने के लिए उसका असली रूप। तो यहाँ पे हम लोग उसके घर के अंदर तो आ चुके हैं, आसपास चेकिंग कर लेते हैं क्या हो रहा है उसके घर में। ओके, यहाँ पे कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा फिलहाल। एंड यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई दिया था पर वो गायब हो चुका है। मैं तो सिंपली बाहर वेट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है अंदर क्या चीज है। ओही, ब्लड दिखा मेरे को, ये कमरे से बाहर निकलता हुआ। बुढ़ी फिर से दिखी थी मेरे को, एंड ये वापस से गायब हो चुकी है। वेट, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि माइकल की वाइफ है। यहाँ से ब्लड गिर रहा है, व्हाट द हेक, ये तो मैजिक है ब्रो। ब्रो अंदर मैजिक चल रहा है। ये कुर्सी अबे मैं कैसे उठ रही है पहले की ये बात है। एंड इसके ऊपर ही एक टकला आ गया। ओ माँ को सब जॉनी सीस की आत्मा बोला ना मैं। ब्रो वो देख आईने के पीछे कौन है? एक सेकेंड, वो भी जस्ट गायब हो गया। मैंने अभी जस्ट देखा था पीछे कोई तो भी था। गाइस जरा मुझे बताना आप लोगों को ये सब पता था कि नहीं? मैं यहाँ से अभी सीधा कल्टी मार रहा हूँ, मेरी फट चुकी है लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी ने सुसाइड किया हुआ है।
भाई इसी घर पे इतनी लाश आई कहाँ से और ये इनके कौन लगते हैं? और तुझे बता दो वो जो बंदी सुसाइड की है वो बल्कि और कोई नहीं उसकी वाइफ है। तो फिर ऊपर कौन मरी थी? वो भी उसकी वाइफ थी। तू कौन है? तेरा बाप। मैं कौन हूँ? इधर एक चाउटी का अपने तो समझ आ जाएगा। एमपी टाउन ब्रो। बस हो गया, यहाँ से कल्टी मारने का समय आ चुका है। एक सेकेंड, यही लड़की मेरे को वो खिड़की में भी दिख रही है। वो भी उसकी वाइफ है। माँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। माँ यहाँ पे हो क्या रहा है? माँ ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है ब्रो? आलोक, एंडिंग बट नॉट लीस्ट। ओ भाई, ये किसका घर चल रहा है ये? आई डोंट नो, बट कहा ये जाता है कि जो तू सामने घर देख रहा है वो 2400 घंटा जलता रहता है। भाई लकड़ी का घर है, कब तक जलेगा? 5 मिनट में जल के राख हो जाएगी। तू ये घोर का। अच्छा एक बात बता, बारिश हो रही है ना बहुत जोर की थंडरस्टॉर्म के साथ, बट तभी भी ये बूझ नहीं रहा है, तू देख रहा है कुछ? ये कुछ मिस्टीरियस चीज है। एग्जैक्टली, लॉस सैंटोस की सबसे हॉन्टेड बंगलों में हम लोग अभी घुसने वाले हैं। एंड यहाँ पे इतने सारे जन मरे पड़े क्यों हैं? ये जलते हुए क्यों आ रहे? मेरे को डर लग रहा है ब्रो। मतलब जो मैंने सुना था इस घर के बारे में वो सही चीज है। यहाँ पे एक इंसान है जो कि हमेशा जलता रहता है, क्या वो सच है? यहाँ पे एक इंसान है भाई जो जलते जा रहा है, बुझ ही नहीं रहा है। भाई यार, इसने मेरी रात को खराब कर दिया। भाई ये सबसे बेकार रात थी। ये बंदे ने मेरे को क्या क्या दिखा दिया GTA 5 के अंदर। मेरे को जाना है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। मेरे को कॉलेज जाना है भाई। वेट, व्हाट? मेरा GTA क्रैश हो गया अपने आप में, घर में जा भी नहीं पाया। तो GTA 5 हमसे क्या छुपाने की कोशिश करी उस घर के अंदर जाने से? हम नहीं जा सकते उस घर में।